अब अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है ड्रिल से, कि ड्रिल अपना एक नया चैप्टर है, तो ड्रिल के बारे में समझेंगे सबसे पहले कि ड्रिल होता क्या है, फिर तो उसके बाद समझेंगे ड्रिल के टाइप्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिल क्या होता है। ड्रिल एक प्रकार का एंड कटिंग टूल है। इस एंड कटिंग टूल को दरअसल ड्रिल मशीन पर, लेद मशीन पर या फिर मिलिंग मशीन पर पकड़कर कार्य किया जाता है। इस ड्रिल को एंड कटिंग टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ड्रिल होता है ये एक ऐसा टूल है जो कि अपने अंतिम सिरे मतलब एंड सिरे से काटने का कार्य करता है। इस कारण से क्या कहा जाता है, एंड कटिंग टूल। यहाँ पे जितने भी ड्रिल बनाए गए हैं ये सभी ड्रिल क्या करते हैं, अपने अंतिम सिरे से काटने का कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें एंड कटिंग टूल के नाम से जाना है। अब ये जो ड्रिल होते हैं ये दरअसल हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टूल स्टील के बनाए जाते हैं, और कभी कभार ये जो ड्रिल होते हैं ये नॉर्मल टूल स्टील के बनाए जाते हैं, और इनके प्रारंभिक सिरे पर या बोला जाए एंड सिरे पर कार्बाइड टिप को ब्रेंच कर दिया जाता है कुछ स्पेशल कार्य के लिए। ये जो जितने भी ड्रिल होते हैं इन सभी ड्रिलों का यूज धातुओं पर सुराख करने के लिए किया जाता है। अब यहां बात करते हैं अपन ड्रिलों के प्रकार की। तो ड्रिलों के प्रकार में पहला प्रकार आता है फ्लैट ड्रिल के बारे में। ये दिखने में इस तरीके का है। अब इसके बारे में समझते हैं ये आखिरकार होता है। फ्लैट ड्रिल जो होता है इसे कारपेंट्री ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये जो होता है आप लोगों का फ्लैट ड्रिल ये दरअसल हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और ये क्या होता है एक इसके सिरे को मतलब ये जो फ्लैट ड्रिल होता है ये बेलना का रॉड होता है, हाई कार्बन स्टील का बेलना का रॉड होता है। इसके अंतिम सिरे को हैमर से स्ट्राइक करके मतलब फोर्ज करके इसे चपटा किया जाता है, मतलब फ्लैट ड्रिल के अंतिम सिरे को फोर्ज करके चपटा किया जाता है और एज को तैयार किया जाता है। इसका जो कटिंग एज या बोला जाए कटिंग एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसपे के द्वारा शुद्ध सुराख मतलब परफेक्ट होल नहीं किए जा सकते, इस कारण इसका यूज कारपेंटर शॉप में किया जाता है, इसीलिए इसे कारपेंट्री ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके कटिंग एज को अधिक टाइम पर किया जाता है ताकि ये क्या कर सके, सख्त लकड़ियों पर भी आसानी से होल कर सके। इस पे फ्लैट ड्रिल पे जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो 0.9 से लेके 1.5% तक होती है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल के बारे में समझते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल मतलब ऐसा ड्रिल जिसके पे क्या होते हैं जो फ्लूड मतलब झिल्लियां जो कटी रहती है वो कैसी कटी हो, स्ट्रेट कटी, यहाँ पे स्ट्रेट झिल्लियां कटी हुई। तो ठीक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में क्या होता है, इसमें दो झिल्लियां कटी होती है और ये जो दो झिल्लियां या बोला जाए फूट्स जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कटे होते हैं। मतलब यहाँ पर यदि एक झिल्ली कटी हुई है या फ्लूट कटा हुआ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ भी क्या होगा, एक झिल्ली कटी होती है या फ्लूट कटा होता है। अब ये जो ड्रिल ट्विस्ट कि ड्रिल के अपेक्षा क्या करता है, बहुत ही कम धातु को काट पाता है आपका स्ट्रेट फ्लूटेड। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कम धातु काट पाता है इस कारण इसका यूज बहुत ही नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम इत्यादि। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल जो होते हैं वह क्या होते हैं, स्ट्रेट सैंक व टेपर सैंक में भी मिलते हैं। जो आप लोगों का छोटे साइज का स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होता है लेकिन छोटे साइज का स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल लेकिन कैसा स्ट्रेट सैंक वाला, उसे यूरेका ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो यूरेका ड्रिल होता है इस यूरेका ड्रिल का साइज 0.0138 इंच से लेकर 0.1968 इंच तक का होता है। अब ये जो ड्रिल होते हैं ये क्या होते हैं, एसडब्ल्यूजी गेज साइज में मिलते हैं। एसडब्ल्यूजी गेज साइज मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज साइज में भी क्या होते हैं, ये ड्रिल आप लोग को प्रोवाइड हो जाते हैं। ये जो ड्रिल होते हैं दरअसल हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील व टूल स्टील के बनाए जाते हैं, और इस ड्रिल का यूज स्प्रे निप्पल पे होल करने के लिए, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो आपके पास स्प्रे होता है उस पर एक सुराख होता है, उस सुराख को करने के लिए इस स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, स्प्रे निप्पल पे सुराख करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज किया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल, तो ये जो ट्विस्ट ड्रिल होता है दरअसल ये स्ट्रेट ड्रिल के ही समान रहता है, बस अंतर ये रहता है कि इसकी जो फ्लूड होते हैं वो फ्लूड कैसे होते हैं, घुमावदार होने के कारण इस ड्रिल को ट्विस्ट ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ड्रिल होता है दरअसल ये एक प्रकार का आधुनिक ड्रिल है, मतलब लेटेस्ट ड्रिल होता है। इस ड्रिल पे दो घुमावदार झिल्लियां कटी होती है और
ये फ्लूट जो होते हैं या जो ये जो छर्रियां होती है ये क्या करती है, कटे हुए धातुओं को मेटल से बाहर निकालने का कार्य करती है। साथ ही जो अपन कूलेंट यूज करते हैं उस कूलेंट को आसानी से कटिंग एज तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब ये जो आपका ड्रिल होता है ये दरअसल हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ये जो ड्रिल होता है इस ड्रिल का जो साधारण कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है 118 डिग्री होता है। और इस ये जो ड्रिल होता है इस ड्रिल का HRC या बोला जाए हार्डनेस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है 40 से लेकर 63 होती है। और इस ड्रिल का जो शैंक होता है वो टेपर शैंक, मतलब टेपर शैंक ये कहना है टेपर शैंक, स्ट्रेट शैंक और इसके अलावा एक रैचेट शैंक के में प्राप्त होता है आपका ट्विस्ट ड्रिल। अब ये जो ड्रिल का एक साइड का लिप एंगल मतलब वन साइड का जो एंगल है वो कितना होता है 59 डिग्री होता है। लिप एंगल वन साइड का एंगल कितना 59 डिग्री होगा। और इस ड्रिल का यूज ज्यादा कठोर धातुओं पर सुराख करने के लिए किया जाता है।